मेरे को फोन करके बोलता है, फोन करता है, एटॉमिक नंबर की शीट भेज। हेलो, अब गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग हेलो, सर। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। एवरीवन, कोई डाउट डाउट सेशन से सिर्फ डाउट ले रहा हूं मैं आज। कोई भी डाउट हो किसी चीज से भी रिलेटेड पूछ सकते हो मेरे से। कताक्षी, हेलो, यस सर। मिल गए थे सारे नोट्स वगैरह जितने भी चीजें थी, यस सर। पढ़ लिए तुमने? हेलो, यस सर। क्या पढ़ा था? मैं सर पूछ रहा हूँ आपने क्या पढ़ा था। फोर्स एंड प्रेशर के दिए थे और मैंने फ्रिक्शन के भी डाल सारे दिए हैं। चैप्टर्स। तीन 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 हाँ सर, डॉक्यूमेंट सारे आए ही डाल होंगे, दिए। तीन यस सर। तीन डॉक्यूमेंट आए होंगे। मेटल एंड नॉन मेटल का भी मैंने भेज दिया। रिएक्टिविटी सीरीज उसमें डली हुई है। एटॉमिक नंबर्स भी पड़े हुए हैं सारे, यस और सर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी नोट पड़े हुए हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, किस तरीके से। एडोनेस अच्छा, पर तो डाले उसका हुए भी मैंने ई दिया लर्निंग में। तो जिनको नहीं मिला है वो एक बार जाके देख सकते हैं अपने अपने ई लर्निंग कॉर्नर में जाके, ताकि उनको पता चल जाए। किसी का कोई डाउट रिगार्डिंग क्विज और एनीथिंग एल्स, कोई चैप्टर से रिलेटेड डाउट है? यस आद्या, कोई डाउट? मैंने तुम लोग के लिए एक व्हाट्सएप पे मैसेज डाला था आज का ट्रायल क्विज का, शाम को 5 बजे से 5:15 तक। देखा है किस किसने देख लिया था वो मैसेज? और ट्रायल क्विज में, ट्रायल क्विज वाला मैसेज बेटा, पावनी जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क। आद्या, तुमने वो मैसेज देखा नहीं था, वो वाला ट्रायल क्विज वाला व्हाट्सएप ग्रुप में आया हुआ है, देखो। हेलो, यस पावनी पूछो। हेलो सो व्हाट इज नॉन कॉन्टैक्ट मोशन? बेटा, नॉन कॉन्टैक्ट मोशन तो होता ही नहीं है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है,
नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज वो फोर्सेज होती हैं जिसमें कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स तो लगा रहा होता है लेकिन वो बिना कॉन्टैक्ट के लगा रहा होता है, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स में एक मैग्नेट जो होती है, मान लेते हैं ये मेरी कोई मैग्नेट है, यहाँ पे कोई आयरन का पीस पड़ा है, तो ये मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेगी इसको बहुत दूर से। तो इसको अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, ये इधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा या फिर ये इधर की तरफ मूव करने लगेगा ये आयरन का पीस इस एरो के डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि इस मैग्नेट ने इस पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया है, वो भी बहुत दूर से, इसको बिना इसके बिना कॉन्टेक्ट में आए। तो इसलिए मैग्नेटिक फोर्स एक तरीके की नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, यस पावनी पूछो, सताक्षी पावनी समझ में आ गया नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होते हैं? हेलो हेलो पावनी, आर यू देयर? यस सर। समझ में आ गया नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? यस सर। फोर्सेस जिसमें कॉन्टेक्ट नहीं होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे एग्जांपल्स जो है वो हमारे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस के। यस सताक्षी पूछो, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सताक्षी यस सर। हां, यू आर रेजिंग योर हैंड। मोबाइल यूज कर रहे हैं तो कैसे यूज करेंगे, मतलब हम क्विज कैसे करेंगे फिर? हाँ मैं बेटा वो सब कुछ बता दूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, अभी सिर्फ डाउट बताओ तो मैं डाउट क्या है। वो सारी चीजें आपके ग्रुप पे भी आ जाएंगी, एक बार वीडियो पहुंच जाएगी आपके ग्रुप पर, सब कुछ पहुंच जाएगा, कोई टेंशन मत लो, सब कुछ हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बस मैं कह रहा था कि हम अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे, वो लिखा आ रहा है होस्ट इज नॉट अलाउ। अच्छा ठीक है मैं समझ गया। ओके आद्या, वो व्हाट्सएप वाला मैसेज देख लेना बेटा प्लीज, आज शाम को 5 बजे से 5:15 पर साइंस का ट्रायल क्विज है, एंड आई वांट कि सारे लोग उस ट्रायल क्विज को दें ताकि तुम लोग को ये समझ में आ जाए कि वो किस तरीके से देना है। और आप उसको अपने फोन से दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट बाय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल ऐप। आप भारतीय इंटरनेशनल स्कूल की ऐप के थ्रू भी वो सारे फंक्शंस उसमें देख सकते हो और वो क्विज वहां से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो और किसी को सुधांग, तुम्हें कोई दिक्कत सुधांग? हेलो निहाल। हेलो कोई प्रॉब्लम है चैप्टर से रिलेटेड? नोट्स मिल गए थे सारे? यस मैंने एडुनेक्स पर भी डाल दिए, ई लर्निंग पर सारे। यस सर आई हैव सीन। ओके वेरी गुड, मुझे नहीं लगता आप किसी को कोई प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है, तो अब मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको वो क्विज अटेम्प्ट करना है मोबाइल पर। ठीक है, तो आप लोग के सबके मोबाइल में भारतीय इंटरनेशनल स्कूल की ऐप है। yes, सबके में है सबके yes, में sir. अगर सबके में है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दो, मुझे लगता है कि सबके में होगी। और जिनके पास, जो लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो कंप्यूटर के थ्रू भी कर सकते हैं वो। सर यस निहाल, सर आई हैव टू लॉग इन सर टुडे, सर व्हिच टाइम आई हैव टू कम फॉर क्विज? तुम्हें तुम्हारा एडुनेक्स आईडी पासवर्ड मिल गया? तो सर नहीं मिला है, एडुनेक्स ओपन करके देखा था बेटा निहाल? सर वेट सर आप चेक करो। यू हैव डाउनलोड और नॉट? यस सर, एडुनेक्स टेक्नोलॉजी, एडुनेक्स टेक्नोलॉजी नहीं करना है आपको, सर्च करना है प्ले स्टोर में भारतीय इंटरनेशनल स्कूल। सर
Sir, how to share? Sir, I have downloaded that only. Sir, which IIS site is there at Red Color Circle? Red Color Circle? Doubt. Just go to the Play Store and search Bharatiyam International School. An app will open named Bharatiyam International School. You have to download that app. With the school logo, उस पर स्कूल का लोगो बना हुआ है वो वाली ऐप आपको डाउनलोड करनी है। सर स्कूल का लोगो है सर इस पे। ठीक है तो Edonex Technologies वाली कोई भी और ऐप डाउनलोड नहीं करनी है। You have to download just that app. कर लिया डाउनलोड तुमने? Yes sir. अब उसमें आईडी पासवर्ड तुमको पता है तुम्हारा? 2209. 2209 डालो और पासवर्ड डालो स्टूडेंट 123 स्मॉल में। क्या है तुम्हारा आईडी बेटा? 22 09 बेटा मैंने तुमसे पहले भी बोला था कि एक बार सर से बात कर लो तुम। सब करी थी और सर, यस सर। तो बेटा मैं बात करता हूँ पहले तुम्हारी, फिर उसके बाद बताता हूँ तुमको, ठीक है? अभी नेक्स्ट क्लास में पक्का बता दूंगा। ओके यस सर। यस दृष्टि, हेलो। एक्सक्यूज मी सर, आई हैव कम एज अ गेस्ट ऑन नॉट देयर ऑन Edonex। यू डोंट हैव एनी एडमिशन नंबर? No sir. Okay, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूछता हूँ। Okay, I'll ask to the sir. Any other problem, any student? किसी और को कोई problem? ठीक है, तो अब जरा ध्यान से सुनना कि सबके पास वो app तो होगी already, मेरे को पता है। जो लोग हैं पहले से हमारे साथ, उन सबके पास वो app होगी। तो उस app पर मैं आप लोग के लिए एक video दिखा देता हूँ कि किस तरीके से करना है। देखो कंप्यूटर से भी होंगे कब कुछ लोग, ठीक है? अब मेरे को बताओ, जरा हैंड रेस करो वो लोग जो लोग कंप्यूटर से लॉगिन करके बैठे हुए हैं, जैसे या फिर लैपटॉप से या फिर डेस्कटॉप से। सर आद्या, यू आर ऑन लैपटॉप? सर मैं एक्सक्यूज मी, क्लासेस भी पीसी पे और Edonex भी पीसी पे देखते हूं। ओके वेरी गुड। यस सुधा सर, सर मैं कभी कभार मोबाइल पे कर लेता, कभी कभार पीसी पे। तो तुम ये बताओ मुझे, क्विज किस पर देना पसंद करोगे? फोन। फोन पर? यस सर। ओके ठीक है। सर मैंने ढूंढ ली है, उसपे बता दीजिएगा कैसे करना है। हाँ क्विज कैसे करने हैं? सर पीसी पे मैंने ढूंढ तो लिया है कि क्विज कहाँ पे है। कोई तुम टेंशन मत लो, बस आपको क्विज पर क्लिक करना है, ठीक? मैं भी एक आईडी डाल के तुम लोग को करके बताता हूँ। यस रमित सर, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, फोन पे भी हो जाएगी? हाँ फोन पे भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, सब पर हो जाएगी। एक्सक्यूज मी सर, बेटा सर कल कल मैंने मैम से बात की थी, मैम कह रही थी कि आपके फोन में वो ऐप, मतलब BIS जो ऐप है उसमें ई लर्निंग वाला ऑप्शन नहीं है, तो कैसे करूंगी मैं सर? उसमें ई लर्निंग वाला ऑप्शन नहीं है? नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। एडिट कर लो एक बार, सब में आ रहा है। के बाद आया था नहीं लेंगे या तो पीसी में परीक्षा। नो नो आद्या, हर किसी में ऐप में भी है, फोन में भी आ रहा है अब ई लर्निंग का ऑप्शन। यू हैव टू अपडेट योर ऐप परीक्षा फ्रॉम प्ले स्टोर, ठीक है? ओके तो मैं अभी जस्ट एक पीसी से भी बता देता हूं और मोबाइल देख लो। बच्चे जो है मोबाइल ऐप का करेंगे यूज, ठीक है? तो मोबाइल ऐप के लिए मैं अभी दिखा रहा हूँ तुम लोग के लिए, प्लीज देख लो। शेयर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, किस तरीके से करना है उसको वो देख दिखा देता हूँ, ठीक है?
की मेरी? यस सर। ओके वेरी गुड। नाउ आई एम प्लेइंग दिस वीडियो, जस्ट वॉच केयरफुली। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को भाई भारतीय इंटरनेशनल स्कूल के ऐप पर क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर ये खुलेगी, फिर उसके बाद आपको पता है क्या आता है इसमें, लॉगिन करने के लिए मांगता है, तो लॉगिन आपको करना है। मैंने यहाँ पर शिवांश का आईडी पासवर्ड यूज कर रखा है, तो शिवांश का आईडी पासवर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जो कि है 1644, और पासवर्ड मैं नहीं बताऊंगा। ठीक, तो कुछ इस तरीके से आईडी पासवर्ड डालने के बाद वो ऐप ओपन हो जाएगी आपकी। ठीक है, जब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो नीचे की साइड में सबसे नीचे की तरफ हमारा ई लर्निंग का ऑप्शन खुलता है, तो उस पर क्लिक कर देना है, ई लर्निंग पर। ठीक है, अब ई लर्निंग के बाद तुम लोग देख रहे होगे यहाँ पर बहुत सारे जो हैं सब्जेक्ट अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। सर ठीक है, अब आपको क्विज पर जाना है, तो आप जरूरी नहीं है कि किसी भी, जैसे अगर मैथ्स का क्विज है तो मैथ्स की सब्जेक्ट पर जाओगे, या फिर हिंदी का क्विज है तो हिंदी के सब्जेक्ट पर जाओगे। आप किसी भी सब्जेक्ट पर जा सकते, क्लिक कर सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट पर क्लिक करना है आपको, मतलब कोई भी सब्जेक्ट का क्विज देने के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने मान लिया इंग्लिश पर क्लिक कर दिया अल्पना मैम वाले पर। ठीक, तो यहाँ पर तुम्हारे चैप्टर्स आ जाएंगे इंग्लिश के सारे। अब आपको क्या करना है, किसी भी एक चैप्टर पर क्लिक करना है। इधर ये मोबाइल के थ्रू बता रहा हूँ कैसे करना है। ठीक है, किसी भी एक चैप्टर पर जब हम क्लिक कर देंगे तो देखो नीचे यहाँ पर, देखो सबसे नीचे क्विज लिखा आ रहा है, यहाँ पर सबसे नीचे देख रहे हो क्विज लिखा आ रहा है, क्विज डिस्कशन एंड अनाउंसेस। सुनाई दे रहा है? हेलो, यस सर, यस सर। आपको क्लिक 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 किस पर करना है, इधर क्विज पर क्लिक कर देना है। क्विज, ठीक है। अब क्विज पर क्लिक करने के बाद आपके क्विजेज नजर आ जाएंगे कि कौन कौन से आपके शेड्यूल्ड हो गए हैं, शेड्यूल कौन कौन से क्विज हैं। तो यहाँ पर मैंने साइंस का क्विज सिलेक्ट कर रखा है, तो साइंस पर क्लिक कर देंगे आप। ठीक, जब मैंने साइंस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर एक तो क्विज ऐसा है 10:05 वाला, जो कि आपका रनिंग में है या फिर हो चुका है, जिस पर रेड बन के आ रहा है। एक है 11:15 वाला क्विज, जो कि अभी होना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, क्योंकि देखो अभी इधर दे रखा है टाइम घड़ी में 11:12, तो हमें 11:15 वाला क्विज स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हमें 11:15 होने का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक, तो जब 11:15 होंगे तो ये क्विज स्टार्ट होगा आपका। सर डेमो क्विज? हाँ डेमो क्विज। जब 11:15, देखो ऊपर तुम लोग देख रहे होगे कि ऊपर जो है घड़ी में 11:13 आ रहे हैं लिख के, अब 11:14 हो गए हैं, तो धीरे धीरे जब टाइम बढ़ेगा 11:15 होंगे, तो क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम पर ही स्टार्ट होगा अपने, तो आपको लगभग 5 मिनट पहले अपने स्क्रीन को खोल के रखना पड़ेगा। जैसे अगर हमने टाइम डाला है 5 बजे का, सोच लेना इस चीज को, अगर 5 बजे का हमने टाइम डाला है तो इट मीन आपको 5 बजने में 5 मिनट पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। अब देखो वो क्विज जो है भाई स्टार्ट हो चुका है, और देखो किस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, अब वो सीधे क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएगा आपके पास। देखो जैसे ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन है आपका 10 मिनट का क्विज है, देखो इधर 9:59 लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, दिख रहे हैं? अब ये चलते हुए भी दिखाई देंगे जब मैं इसको प्ले कर दूंगा वीडियो को।
तो मुझे 9:59 मतलब इन 10 मिनट में पूरा अपना क्विज कंप्लीट करना है। क्वेश्चन है व्हाट इज फोर्स, नीचे ए बी सी डी ऑप्शन है, मैं चूज कर दूंगा इसमें, क्वेश्चन में सिलेक्ट कर दूंगा आंसर, इस तरीके से मैं सबमिट कर दूंगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा व्हेन टू फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन देन द फोर्स एक्टिंग विल बी, कौन सा डायरेक्शन में होगी, इसका आंसर होगा बी डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, तो इसका बी आंसर पे क्लिक कर देंगे हम, तो इधर सबमिट कर देंगे। इस क्विज में मैंने सिर्फ दो क्वेश्चन डाले थे ताकि आपको समझ में आ जाए, तो इस तरीके से आप क्विज को दे सकते हो, ठीक है, फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है और आपका जो क्विज है बेटा वो सबमिट हो जाएगा इजीली। ठीक, समझ में आ गई बात, ऐप से कैसे करना है, अगर नहीं समझ में आई है तो प्लीज एक बार हैंड रेज कर दो। 11:15 की आज वाली क्विज है बेटा, 11:15 की मैंने डेमो क्विज इसके लिए वीडियो बनाने के लिए बनाई थी, आज वाली क्विज 5 बजे है, बाकी PA1 की क्विज होंगी अलग अलग दिन पे, तुम्हारे पास शेड्यूल आ भी गया होगा PA1 का व्हाट्सएप के थ्रू। आज वाली क्विज में आपके 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो वो 10 क्वेश्चन आपके मुश्किल से 15 मिनट के होंगे, शायद 10 मिनट के होंगे, आप लोग आराम से जल्दी से निपटा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ये समझ में आ गई। हाँ बेटा पीसी पर भी बता रहा हूँ मैं, पीसी पर भी कैसे होगा, बिल्कुल अभी लॉग इन करके दिखा देता हूँ तुमको मैं। हाँ सर, अभी तक जो एग्जाम्स होंगे उसकी सर टाइमिंग भी आई नहीं है। अच्छा, उसकी डेट तो आपके पास क्लियर हो गई ना कि कौन से दिन किसका है? यस सर, डेट तो आपके पास आई गई है ना सारी? यस सर। साक्षी हेलो सर, डेट्स आ गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइमिंग्स भी आ जाएंगी जल्दी। हाँ ओके वेरी गुड, तो टाइमिंग्स भी आ जाएंगी, अभी हम लोग जब भी शेड्यूल करेंगे तो ग्रुप्स पे डालेंगे ऑब्वियसली। ओके सर, तो ठीक है, तो मैं आप पीसी वाला दिखा दूं सबको, पीसी पर कैसे करना है। एक्सक्यूज मी सर, जो सब इसी तरीके से होंगे, यही तो मैंने दिखाया है तुमको, PA1 में दो एग्जाम होंगे आपके, ऑब्जेक्टिव टाइप एंड सब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव में होंगे सर, आप सब्जेक्टिव का भी अभी दिखाओगे, सब्जेक्टिव वाला कैसे होगा? सब्जेक्टिव वाला भी बेटा आपके पास वीडियो आ जाएगी ग्रुप पर, प्लीज परीक्षा। हाँ, तो आपके जो होंगे दो एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप एंड सब्जेक्टिव टाइप होंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे जो मैंने अभी वीडियो दिखाई है आपको, बिल्कुल सेम इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, ऑप्शंस होंगे उनके, यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शन, ठीक है, आपको उन ऑप्शंस में से जो सही लगेगा वो ऑप्शन आपको क्लिक करना है, फिर सबमिट पर क्लिक कर देना। और अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है इन सब कुछ, हाँ बेटा क्या जाएगा, रिस्पांस आफ्टर टीचर कंफर्मेशन आएगा बेटा, जब हमारे पास सब लोगों के रिस्पांसेस आ जाएंगे, यानी तुम लोगों के सबके रिस्पांसेस आ जाएंगे, फिर उसके बाद आप तक पहुंचेगा वो रिस्पांस। ओके एक बार पीसी का भी दिखा दीजिए। हाँ बेटा पीसी का भी बता देता हूँ, जस्ट वॉच माई स्क्रीन बेटा, ठीक है, तो मैं लॉग इन कर रहा हूँ फिर से शिवांश की ही आईडी से। सर ने स्क्रीन मेरे शेयर कर दी तो बहुत रह गया दम। रमेश
ना मैंने यहाँ पर शिवांश का जो है आईडी डाल दिया है और अब मैं पासवर्ड भी डाल देता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका डैशबोर्ड खुल के आता है, ठीक है, इस तरीके से खुल के आता है डैशबोर्ड। देखो यहाँ पर सबसे नीचे ही ऑप्शन आ रहा है क्विजेस का, आद्या देखो ये है, ये ऑप्शन है। यहाँ पर जब आपका डैशबोर्ड खुलेगा एडोनेक्स पर, यहाँ पे माई डैशबोर्ड, माई प्रोफाइल, इन सब चीजों के बाद सबसे नीचे लिख के आता है क्विजेस, ओके। तो क्विज पर क्लिक करना है हमें, क्विजेस पर। तो जितने भी क्विज होंगे आपके, कब कब शेड्यूल है, कब कब शेड्यूल नहीं है, सब आ जाएंगे इसमें। देखो जैसे अभी यहाँ पर दे रखा है ट्रायल क्विज ऑफ साइंस 17 to 17:15, जिसका मतलब है कि 5 बजे से स्टार्ट होगा, 5 बजे खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्लास टेस्ट क्विज है 28 तारीख का, 17 से स्टार्ट होगा और 17:15 पर एंड टाइम है। तो इट मीन 5 बजे स्टार्ट होगा एंड 5:15 पर इट विल एंड, मैथमेटिक्स का टेस्ट। PA1 क्लास टेस्ट क्विज शाम का है, ठीक है, और ये हिंदी का कुछ इस तरीके से बना हुआ है 17:25 to 17:35 तक। ये भी एक ट्रायल क्विज है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग अब हो जाएगा, अब हम लोग इस पर क्लिक करके आसानी से इसको ओपन कर सकते हैं जब टाइम होगा तो। आ गया समझ में बेटा? तो इस तरीके से हम पीसी पर जा सकते हैं। अब किसी की कोई प्रॉब्लम? इफ नाउ इज देयर एनी प्रॉब्लम प्लीज रेज योर हैंड। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जस्ट भाई थम्स अप कर दो ताकि मेरे को पता चल जाए तुम लोग को सब समझ में आ रहा है क्लियरली। यस दृष्टि, हेलो, so when will you tell me how will I log in? बेटा एक बार तुम गेस्ट क्या आई हो मंदीप सर, मैं गेस्ट हूँ, मैं बात करता हूँ एक बार मंदीप सर से, बात करता हूँ फिर बता देता हूँ बेटा मैं आपको, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पक्का बता दूँगा, ओके। ओके तो मैं सोचता हूँ कि आज सारे लोग वो क्विज देंगे, जितने भी 8th A और 8th B के जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज क्विज देना, ताकि आपके ये जो PA1 के मार्क्स है ना उसी पर डिपेंड करते हैं, मतलब उस वाले क्विज पर नहीं डिपेंड करते हैं आज वाले क्विज पर, लेकिन उस वाले क्विज पर जरूर डिपेंड करते हैं जो PA1 वाला क्विज है, मतलब जो रेगुलर क्विज है, जो रियल क्विज होना है आपका। ये ट्रायल क्विज सिर्फ और सिर्फ उस लिए है ताकि आप लोग को ये पता चल जाए कि किस तरीके से PA1 को अटेम्प्ट करना है, ठीक। प्रार्थना, पावनी, अरमान, किसी की कोई दिक्कत? भव्य वर्मा, अंश राठौर? नो सर, ओके। राक्षी, हर्षप्रीत? यस सर। कोई प्रॉब्लम अभी? नो सर। रिलेटेड टू क्विज? रमेश, नो, हेलो रमेश, यस सर, प्रॉब्लम? नो सर। ओके ठीक है। सताक्षी,
हेलो सताक्षी, कोई प्रॉब्लम अब रिलेटेड टू क्विज? समझ आ गया ना कैसे किस तरीके से आपको देना है क्विज? ओके ओके ठीक है। सुधां यस सर, आ गया, क्लियर हो गया किस तरीके से करना है क्विज को? यस सर। ओके वेरी गुड, ठीक है। बाकी और किसी को? भव्य शर्मा, हेलो। यस सर। बेटा क्विज किस तरीके से करना है समझ में आ गया ना तुम्हारा? यस सर। ठीक है, एक बार ई लर्निंग पर जाके अपने नोट भी चेक कर लेना, मैंने भेज दिए हैं वहां पर। ओके सर। काफी सारा कंटेंट दूसरी बुक का भी भेजा है आप लोग के पास, काफी सारा कंटेंट दूसरी बुक का भी भेजा है ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। हिमांश देख लिया था मेरा वो वाला दूसरी बुक वाला कंटेंट भी? देखा था, सबको मिल गया था? यस सर। ओके ठीक है। अध्याय यस बेटा पूछो। डॉक्यूमेंट्स डाल रखे हैं उसमें, देखो आप चेक करके मैं दिखाऊंगा एक बार। देखो शिवांश की आईडी से मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ पीसी में मैं दिखा देता हूँ, अभी शिवांश की आईडी खुली हुई है, उसी की आईडी से दिखा देता हूँ। जब जब हम यहाँ पर नीचे जाते हैं अपने ठीक है, देखो हम यहाँ पर जाएंगे जब ई लर्निंग में, तो ई लर्निंग में यहाँ पर सब कुछ मतलब ये सारा रिवीजन सबमिटेड ये सारा आपका होमवर्क का आ जाता है ठीक। यहाँ पर क्विजेस को ऑप्शन आ जाते हैं। अब ये आ गया रिसोर्सेज, देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको लेटेस्ट रिसोर्सेज, फिर उसके नीचे माई सब्जेक्ट भी लिख के आ रहा है भाई, साइंस आ रहा है साइंस लिख के, तो आप साइंस पर क्लिक कर दो ठीक। चैप्टर सिलेक्ट करो फोर्स एंड प्रेशर, डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करो, आपके डॉक्यूमेंट आ जाएंगे सारे इस तरीके से। आप अगर ये सिलेक्ट करोगे साइंस, कहाँ पे क्लिक करना है? इधर इधर देखो चैप्टर के नीचे फोर्स एंड प्रेशर को। सर एक बार फिर से दिखा दीजिए, समझ नहीं आया मुझे। मैं बता देता हूँ, देखो फिर से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं बिल्कुल बताऊंगा सब कुछ। यस अद्या, अब देखो दिखाई दे रही है स्क्रीन, पता चल रही है मेरी? यस सर। ओके आपको इधर ई लर्निंग पर क्लिक करना है ठीक है। ये जो ई लर्निंग दिखाई दे रहा है, ई लर्निंग पर हमने क्लिक कर दिया ठीक। तो कुछ इस तरीके की विंडो बन के आएगी हमारी, जहां पर होमवर्क का लिख के आएगा कि आपने भाई सबमिट किया है कि नहीं। तो आप जस्ट यहाँ से सबमिट कर सकते हो अपना होमवर्क ठीक है, यहाँ से भी सबमिट कर सकते हो। मैं यही बोलता हूँ कि अपने जो होमवर्क है वो यहाँ से सबमिट किया करो ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर क्विजेस की डिटेल आ जाएगी भाई, कुछ इस तरीके से क्विजेस की डिटेल आ रही है चल के ठीक है, कि आपका कौन से क्विज कब स्टार्ट होने वाले हैं। फिर उसके बाद जब हम नीचे स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पर लेटेस्ट रिसोर्सेज आएगा लिख के ठीक है। फिर अगर आप यहां से डॉक्यूमेंट डाउनलोड नहीं करना चाह रहे हो तो नीचे देखो सब्जेक्ट आ रहा होगा, माई सब्जेक्ट में ये दिख रहा है, तो आप इस सब्जेक्ट पर क्लिक कर दो। इधर साइंस पर हमने क्लिक कर दिया ठीक है। अब देखो इधर चैप्टर्स के नीचे ये तीन सब्जेक्ट लिख के आ रहे हैं। यस सर। ठीक है, अब जब मैं इधर तीन सब्जेक्ट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर फोर्स एंड प्रेशर लिख के आ रहा है, तीनों सब्जेक्ट में मैंने वैसे डाले तो है डॉक्यूमेंट, तो मैं बस फोर्स एंड प्रेशर पर क्लिक कर दूंगा ठीक। यस सर। समझ में आ रही है बात? तो इसके बाद यहाँ पर देखो समरी, वीडियो, डॉक्यूमेंट, वेब कंटेंट और ऑडियो इस तरीके से लिखा आ रहा है सब। यस सर। ठीक, तो आपको डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। ओके सर। ठीक, तो यहाँ पर देखो माई नोट ऑफ फोर्स एंड प्रेशर टाइटल लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट अटैच है, तो आपको इस डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है इस तरीके से।
यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो मैंने ये देखो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करा, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा ये। ठीक है, देख लिया आद्या? यस सर। ओके, अब इसी तरीके से हम ये लिक्विड प्रेशर एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो लिक्विड प्रेशर एक्टिविटी टाइटल है, मैंने इस पर, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये कंटेंट डाउनलोड हो जाएगा मेरा। इसको भी मैं इजीली आसानी से पीडीएफ के थ्रू देख सकता हूँ, इधर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है मेरी। ठीक, ये आफ्टर डाउनलोडिंग जब मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा तो यहाँ पर ये फिर से हम इसको ओपन करके इस तरीके से देख सकते हैं। ये देखो, ये है प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड एक्टिविटी, मैंने दे बता रखी है ये है। फिर इसके बाद इसके नीचे ये एक्टिविटी आ गई, लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर नॉट, मिल गया, देख लिया तुमने? ओके, ठीक है, अब आगे बताऊं कैसे होना है? नहीं सर, समझ में आ गया। आ गया, ओके, वेरी गुड बेटा। तो इस तरीके से हम लोग ई लर्निंग से जाके कर सकते हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत? यस प्रेक्षा, हेलो, यस प्रेक्षा सर, यही प्रोसेस हम मोबाइल में भी कर सकते हैं ना? हाँ, मोबाइल में भी ऑप्शन आता है उसका, ई लर्निंग का, और ई लर्निंग में जाके आप सारे डॉक्यूमेंट्स को यूज कर सकते हो। बाकी सारे बच्चों ने मोबाइल पर ही देख रखा है, शिवान से पूछो तो वो मोबाइल पर चलाता है, और बाकी रमेश है और भी शताक्षी वगैरह सब, ये लोग मोबाइल पर ही देखा होगा इन्होंने। सताक्षी, मोबाइल पर ही देखा था ना डॉक्यूमेंट तुम लोग ने? यस सर। आ रहे हैं ना मोबाइल पर? यस सर, आ रहे हैं। ओके, ठीक है। यस अविका, हेलो अविका, बोलो। बेटा अविका, योर वॉइस इज क्रैकिंग। अभिका, योर वॉइस इज क्रैकिंग, आई कांट लिसन। ये जो क्विज है इसके मार्क्स उसमें पीएम में ऐड होंगे? कौन से क्विज के? ओके, आज वाले क्विज के बेटा, जो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ट्रायल क्विज इज ओनली फॉर ट्रायल पर्पस, ठीक है? बट जो पीए वन की जो स्कीम आई है आपके पास, उस वाले क्विज के मार्क्स तो जरूर ऐड होंगे, वही तो मार्क्स होंगे ऐड जो होंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? हेलो, यस सर, यस सर, समझ में आ गई। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक। तो बाकी डिस्कशन हम लोग करते हैं भाई अपनी नेक्स्ट क्लास में, मेरी यार लास्ट वाली क्लास भी है तुम लोग के क्लास में, ठीक है? तो उसमें बात करते हैं, अभी के लिए इतना ही है। ओके क्लास, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पीए वन। Okay, take care all of you.
I am audible to all. If I am audible to all, please give me a tick. Yes. जो आपके पार्टिसिपेट पे क्लिक करने के बाद जो यस का साइन आता है उसको टिक करें सभी. यस बेटा निहाल. निहाल सर, दिस वर्क व्हिच यू आर शोइंग राइट नाउ रिवीजन वर्क सर, दिस वी हैव टू डू इन फेयर कॉपी राइट नाउ. यस क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? इन फेयर कॉपी. फेयर कॉपी में करने हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन मैं आपको जो दूंगा वही करने हैं. अभी जो मैं करवाऊंगा वो नहीं करने हैं आपको, सही है? यस सर. रिवीजन आपको जो क्लास में करवाया जाएगा वो तो आपको फेयर कॉपी में करने हैं. सपोज मैंने एक एग्जांपल आपको समझाया कि 2/3 इज अ 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करो, ये आपको क्वेश्चन नहीं करना है. हाँ, तो ये मैं आपको जब समझाऊंगा वो वाला काम आपको नहीं करना है. जो मैं कहूंगा कि ये कॉपी में करना है या जो आपको दूंगा करने के लिए वो आपको नोट फेयर नोटबुक में करना है, ठीक है? सर दैट बिग रजिस्टर ना इन योर फेयर कॉपी. Yes, sir. That register. Which register? Sir, I got two registers also. अच्छा, कौन-कौन से आपके पास दो register? Sir, that are blank. Sir, in तो, that set I got two registers. अगर आपके पास revision notebook है, तो आप revision notebook में ही करो, ठीक है? लेकिन अभी किसी के पास अगर है नहीं है, तो वो किस में करेगा जो आप उसकी क्लास नोटबुक है, ठीक है? लेकिन करना सबको है. ओके निहाल. सर क्लास नोटबुक्स सर दे सर वी हैव टू मेक अ सेपरेट क्लास नोटबुक. नहीं बेटा, अब तक आपकी क्लास नोटबुक बनाई नहीं आपने. सर आई हैव मेड सर ऑल आवर नेम्स एंड ऑल रिटन सर, बट आई हैव रिटन ऑन रजिस्टर्स टू रजिस्टर्स मैथ्स. ओके एंड व्हाट अबाउट द वर्क, वर्क स्टेटस क्या है आपका? कितना काम करा हुआ आपने? चैप्टर वन करा हुआ है? सर नो सर, सर हिंदी में सारा कर लिया सर. अच्छा. साइंस में सारा कर लिया और सर वो इंग्लिश में सारा कर लिया है सर. तो ऐसा करो, मैथ्स का जो आपने रजिस्टर बनाया उसमें एक रिवीजन रजिस्टर बनाओ, उसी में ये काम करो, ठीक है? जो रिवीजन वर्क है. यस सर. ओके बेटा. यस बेटा आद्या. So, कुछ नहीं, मैं भी वही पूछ रही थी जो निहाल पूछने वाला था अभी कि आप अभी करा रहे हो वो नोटबुक में करना है. बेटा आपके पास अगर दो नोटबुक है तो उसमें से एक रिवीजन बना लो, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास नोटबुक नहीं है, सिर्फ एक ही नोटबुक मेंटेन करी हुई है, तो उसी में रिवीजन जैसे मैंने डाला हुआ ना, बड़ा बड़ा सा रिवीजन टाइम डाला हुआ मैंने, आपको लिखना है रिवीजन वर्क. ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली, रिवीजन वर्क लिखना है, डेट लिखनी है, बस उसके नीचे उस दिन का काम, फिर ऐसे नेक्स्ट डे. ओके ओके सर, थैंक यू. ओके एनीबॉडी एनी मोर क्वेरी? बेटा किसी और की कोई क्वेरी हो तो पूछो. बेटा निहाल पुट्स योर हैंड्स डाउन. बेटा अगर मेरी स्क्रीन विजिबल है तो प्लीज गिव मी अ थंबनेल. Okay, good morning to everyone. Yes, Adya. Beta Adya. Beta, notebook bilkul clear dikh rahi hai? Yes, sir. Okay, beta. Beta, agar
किसी को कोई डाउट हो तो बीच में पूछ सकता है। देखो मैंने कल आपको अनम्यूट करा था, लेकिन मैंने ये भी कहा था अपने आप को म्यूट करके रखना, तो उस वजह से मैं आप सभी को अनम्यूट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड साउंड बहुत आते हैं, बहुत डिस्टर्बिंग होता है। टेस्ट के बारे में मैं आपको दोबारा से आज दोबारा बता देता हूँ बेटे, आपके दो टेस्ट मतलब एक सब्जेक्ट के दो टेस्ट होने, एक ऑब्जेक्टिव होगा एक सब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस करना है फिलहाल आपको, क्यों? क्योंकि उसमें क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, ठीक है? फोकस करो जो आपने पढ़ा है ना उसको सोचने की, ठीक है? जैसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सपोज करो ये आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखा हुआ है मैंने, इसमें क्वेश्चन नंबर वन लिखा है द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/3। -5/3 का एडिटिव इनवर्स बताना है। अब आपको पहले माइंड में क्लिक करना है कि एडिटिव इनवर्स होते क्या है। हमें पता है एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, सिर्फ साइन चेंज हो जाते हैं। मींस यहाँ पे अगर ये प्लस का होता तो माइनस में आंसर आता, माइनस का होता तो प्लस में आता। तो ये बेटा क्या लिखा है, -5/3, चेक करो 5/3 लिखा होना चाहिए प्लस में, वो ये है, तो बस ये आंसर हो गया। ऐसे क्लिक करना है आपको, ठीक है? ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत टाइम लगा रहे हो, पेन ज्यादा यूज कर रहे हो, नो, माइंड ज्यादा यूज करना है, पेन कम यूज करना है, ठीक है? अगर आपके पास कुछ प्रैक्टिस पेपर रखे तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, वैसे मैं आज ये वाला क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करवाऊंगा। सेकेंडली जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, 60 क्वेश्चन आएंगे आपके फिलहाल और 80 मार्क्स को शो करेगा, बाद में उसे कन्वर्ट आप जो भी पेपर देंगे वो आपको एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए दिखेगा, अगर आपको टाइमिंग बता दी जाएगी। अभी टाइमिंग फिक्स नहीं करी है। अच्छा एक और चीज, कल आप सभी का ट्रायल टेस्ट है मैथ्स का at 5 to 5:15, सभी को ग्रुप में पता चल गया होगा, ठीक है? और जिसको अगर कोई चेक करना चाहता तो आपने एडुनेक्स्ट पे देख सकता है। कहाँ पे देखेंगे बेटा, जाके ई लर्निंग पे देखेंगे। कहाँ देखेंगे, ई लर्निंग, वहां पे आपको मैथ्स क्लिक करना है। मैथ्स क्लिक करने के बाद आपको एक टेस्ट दिखेगा, बहुत सारी टॉपिक्स होंगे उसमें आपको देना है, देखना है क्लास टेस्ट, ठीक है, या क्लास क्विज, वैसे क्लास टेस्ट लिखा हुआ है। ओके मैं अभी किसी बच्चे को ले लेता हूँ जो अभी यहाँ पे है, देखते हैं कौन बच्चा ऐसा है जो अभी मतलब अपना पोर्टल खोल सकता है एडुनेक्स्ट का, प्लीज रेज योर हैंड। ओके बेटा, आद्या, एक मिनट है बेटा। यस बेटा आद्या, अपना एडुनेक्स्ट पोर्टल खोल बेटा। ओके सर। बेटा बाकी सब बच्चे भी खोल सकते हैं, जो खोल सकते हैं वो खोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खोला बेटा? यस सर, खोल लिया। अब उसमें ई लर्निंग होगा बेटा, सबसे बॉटम पे। यस सर, वन मिनट। उसको क्लिक कर लो, ई लर्निंग को। यस सर। अब उसको क्लिक करने के बाद बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ रहे होंगे बेटा। हाँ सर। बाकी बच्चे भी करो, बाकी बच्चे भी करो। पहले एडुनेक्स खोलो, एडुनेक्स पोर्टल पे नीचे सबसे ई लर्निंग आ रहा होगा। ई लर्निंग के बाद बेटा आपका सब्जेक्ट आएंगे। अब सब्जेक्ट में बेटा अभी मैथ्स चल रहा है, तो मैथ्स ओपन करके देखो। यस सर, डन। अब बेटा मैथ्स में क्या क्या आ रहा है मेरे को बताओ। सर मैं तो अपने एक सेकेंड सर, मैंने तो पीसी भी कर रखा था इसलिए हो गया। एक सेकेंड सर, मैथ्स सेलेक्ट करना है। हाँ मैथ्स, मैथ्स सेलेक्ट करो अभी। बाकी बच्चे भी करो, बाकी बच्चे भी यही करो। कोई बात नहीं, आप पीसी में करो या मोबाइल में करो, डजंट मैटर। हाँ सर, क्विजेस आ गए सारे। अब शो हो रहे हैं आपको? हाँ सर, क्लास टेस्ट क्विज 28 May 2020 5:00 PM। आद्या बेटा अब क्या हो रहा है? सर अभी उसमें अभी टाइम हुआ नहीं है, अभी इंस्ट्रक्शंस भी नहीं आ रहे और अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ। यस ओके, सभी बच्चों को क्लियर है ना इंस्ट्रक्शन? सबसे पहले BIS ऐप में एडुनेक्स पोर्टल खोलना है। एडुनेक्स पोर्टल के सबसे नीचे वाला ऑप्शन होगा ई लर्निंग बेटा। ई लर्निंग में सबको सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट आएंगे, जिस सब्जेक्ट का टेस्ट शेड्यूल हुआ है उसको क्लिक करेंगे, ठीक है? जैसे आद्या ने करा है तो वो टाइमिंग बेटा 28 है, मींस कल की, और टाइमिंग है 5 to 5:15। उसके बाद बेटा ये टाइमिंग फिक्स है, टाइमिंग फिक्स है, ऑटोमेटिकली उस टाइम स्टार्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली एंड भी अपने आप हो जाएगा, ठीक है? तो आप सबसे रिक्वेस्ट है बी ऑन टाइम, ठीक है? बी ऑन टाइम, सब टाइम पे रहेंगे, ठीक है?
और साथ ही साथ ये फिक्स ड्यूरेशन है, 15 मिनट ही मिलेंगे आपको, और ये सिर्फ ट्रायल टेस्ट है, सबको इतना ध्यान रखना कि ये ट्रायल टेस्ट है। ऐसे ही बेटा आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव पेपर होगा ना वो भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, इन द सेम वे, बस आपको टाइमिंग शेयर कर दी जाएगी। अब है सब्जेक्टिव की बात, बेटा सभी को बता दिया जाए, सब्जेक्टिव की बात में 40 मार्क्स का मैथ्स का पेपर होना है, मींस सबका ही 40 मार्क्स का होना है, और मैथ्स में सिर्फ मैथ्स में 14 क्वेश्चन आएंगे, और ये क्वेश्चन जो है आपके दोनों चैप्टर में से होंगे, ठीक है, और अलग अलग सब्जेक्ट के नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, ठीक है। मैंने दिए बेटा 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, टोटल 40 मार्क्स। ड्यूरेशन बेटा 75 मिनट्स है, ओके। अब बाकी इसको आपको कैसे करना है, इसको इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 1 or 2 days, ओके। अब बेटा इन दो टेस्ट से रिलेटेड, सिर्फ टेस्ट को कैसे देना है, टेस्ट में क्या है, अभी मैं सब्जेक्ट से कंसर्न कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, किसी को सब अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, लेकिन टेस्ट से रिगार्डिंग, ठीक है। यस बेटा, जस्ट रेज योर हैंड, डोंट टेक्स्ट मी, ओके। आई नाउ आई एम बेटा आद्या, एनी क्वेरी बेटा, ओके, जस्ट रेज योर हैंड जिसको क्वेरी है, ओके। तन्मय शुक्ला, जिसको क्वेरी नहीं है प्लीज टिक, करेक्ट टिक करके भेजो मेरे को फटाफट, ओके। नाउ तन्मय शुक्ला, यस बेटा तन्मय, सो आफ्टर वी हैव क्लिक्ड द दैट सब्जेक्ट सो द एग्जाम विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट ऑन टाइम और वी हैव टू क्लिक समथिंग, नो टाइम विल exam will automatically start at 5 o'clock, okay, and stop at 5:15, it's automatically, okay। आप सोचोगे 5 पे चले जाएगा आपको, ठीक है, means time start हो चुका होगा, बैठ के आप क्या करो 4:58 तक on अपने desktop या जो भी mobile पे laptop पे आ जाओ, ठीक है, और wait करो, और जैसे 5 o'clock बजे आपकी 5 o'clock हो जाए उसको टिक करो, ठीक है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तन्मय शुक्ला, इज इट क्लियर? नो सर, यस बेटा, टू जॉइन, नो देयर इज नो, बस आपको जाना है वहां पे और क्लिक करना है और ऑटोमेटिक, और बेटा वहां पे ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है तो आपको टिक करने हैं ऑप्शन, और रिजल्ट भी आपको नहीं मिलेगा, तो वेट कर लेना, वहीं पे रिजल्ट भी मिल जाएगा थोड़ी देर में। और किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज रेज योर हैंड, और जिन्होंने हैंड रेज कर रखे हैं उनके भी मैं क्वेरी लेता हूँ। बेटा अनम्यूट कर लो अपने आपको, यस बेटा फटाफट, वैसे भी हमारा टाइम हो रहा है, फिर फटाफट हमें रिविजन भी करना है। यस बेटा दीक्षांत अरोरा, और बेटा क्वेश्चन रिपीट मत करना, एक ही क्वेश्चन को बहुत सारे जने मदद पूछ रहे हैं। यस बेटा दीक्षांत अरोरा, ओके आई एम नॉट एबल टू, यस बेटा क्या पूछना सर, इन क्लास सर टेस्ट को क्यूज सर व्हिच चैप्टर विल कम, बेटा लिखा है उसमें, आपने एक बार ग्रुप में देख लेना, वैसे अभी चैप्टर बता देता हूं, अभी जो टेस्ट होना है उसमें आना है चैप्टर नंबर 1 होल नंबर, सॉरी रीजनल नंबर, सॉरी रीजनल नंबर, ठीक है। यस बेटा परीक्षा सर, जैसे हमने एक आंसर मतलब हमने आंसर टिक कर दिया तो सर उसके बाद नीचे बेटा सबमिट सबमिट आएगा, नीचे ऑप्शन एक नीचे ऑप्शन आएगा, पहले जैसे मान लो एबीसीडी में से आपका ऑप्शन सी आंसर है तो उसमें टिक करोगे, नीचे आएगा सबमिट, फिर दूसरे क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे बेटा। एक एक करके सबमिट करना है या सारे एक साथ सबमिट हो जाएंगे? बेटा एक एक आएगा, 1-to-1, ठीक है, ओके बेटा, बाकी कल ट्रायल क्वेश्चन में टेस्ट में भी पता चल जाएगा आपको। यस बेटा आदिराज, हेलो, यस बेटा आदिराज सर, यस सर, बेटा योर वॉइस इज नॉट क्लियर, योर वॉइस इज क्रैकिंग एंड टू मच क्रैकिंग सर, यस बेटा सर, सर एक बार सर पैटर्न पेपर बता दो सर, पैटर्न कैसे आएगा, किसका पैटर्न बेटा सर, पेपर का, कौन से पेपर का,
सर पीए जो होंगे बेटा 60 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर वाला होगा जिसमें 60 मिनट्स ही आपको मिलेंगे, मींस 1 आवर मिलेगा। ऐसे ही ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव में बेटा 14 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स में और 75 मिनट्स मिलेंगे बेटा आपको, 40 मार्क्स का ये भी होगा। सर 5 o'clock सर टेस्ट में क्या होगा? वो कल बेटा ट्रायल टेस्ट है, उसको बेटा आप ग्रुप में जाके एक बार चेक कर लीजिए, वो मैसेज भेज दिया है मैंने, वो सिर्फ आपको ट्रायल टेस्ट है। कैसे सर उसको, सर कितनी देर का होगा सर वो? कौन सा वाला टेस्ट? ट्रायल टेस्ट? यस सर। वो 15 मिनट्स का बेटा। सर 15 मिनट्स? 1:15 यस बेटा। सर और वो हमें नोटबुक में करना है बेटा, ऑब्जेक्टिव है, क्या नोटबुक में करोगे वही टिक करने हैं, वही सबमिट करने हैं। ओके सर। और रेफर को वो कर सकते हैं आप। ओके ठीक है ना। ओके नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेरीज बेटा, लास्ट में लेंगे, और बाकी अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए, और मेरी नोटबुक विजिबल है तो प्लीज बेटा गिव मी अ थंबनेल। ठीक है बेटा, आज हम करेंगे बेटा, आज हम करेंगे रिवीजन। कल हमने क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी कर ली थी बेटा? कल हमने प्रॉपर्टी करी थी सबसे पहले प्रॉपर्टियों में क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और थर्ड करी थी बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। होपफुली सबको क्लियर होंगी ये प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी और बचती है, उसको भी फटाफट कर लेते हैं बेटा। क्या है वो? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या इसे ऐसे भी कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। मतलब क्या होता है बेटा इसमें? इसमें कोई भी तीन नंबर होते हैं हमारे पास, जैसे ए, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट होता है, बी प्लस सी। तो बेटा ये किसके इक्वल होता है? पहले ए की मल्टीप्लाई, ब्रैकेट तो अंदर सोल्व हो ही रखा है, तो कैसे सोल्व करते हैं इसे? ए की मल्टीप्लाई पहले किस में करते हैं बेटा? बी में। बीच में साइन क्या है? प्लस। बेटा फिर क्या करते हैं? इस ए की मल्टीप्लाई सी में कर देते हैं, ए की मल्टीप्लाई सी में। ये हमारी कम्यूटेटिव, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन ब्यूटी प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल 2 × 3 + 4, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से अगर करना है तो कैसे करेंगे बेटा? पहले 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, बीच में साइन प्लस है, तो 2 की मल्टीप्लाई फिर 4 में कर देंगे। 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 6 + 8 = 14। ठीक है, अगर डायरेक्ट करते तो भी आ जाता, लेकिन हमें प्रॉपर्टी का यूज करना था इसलिए हमने ऐसे करा। पहले ब्रैकेट सॉल्व करा तो 7 एंड दैट इज इक्वल टू 14। होपफुली ये क्लियर होगा सबको। ठीक है, इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन और आता है आपका कि फाइंड 2 रेशनल नंबर्स, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो अब मैं एक क्वेश्चन उसका भी बताता हूँ। ठीक है, कल हमने क्या ये भी पढ़ लिया था कि एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होते हैं। ठीक है, एक और चीज होती है बेटा हमारे पास, वो होती है एडिटिव आइडेंटिटी। सही है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कोई एक ऐसा नंबर बताओ, कोई एक ऐसा नंबर बताओ जिसे किसी में भी जोड़े वही नंबर दोबारा आंसर आए। क्या बोला? एक ऐसा नंबर जिसे किसी भी नंबर में ऐड करे वही नंबर दोबारा आए। तो बेटा वो नंबर कौन सा होता है? एडिशन के लिए होता है बेटा वो 0, और मल्टीप्लीकेशन के लिए होता है 1। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? हमेशा 1 होती है। कैसे? 2 में क्या जोड़ूं, 2 में क्या ऐड करूं कि हमें क्या मिल जाए? 2। 3 में क्या ऐड करा जाए कि 3 ही मिले। सिमिलरली 4 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 4 मिले। 100 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 100 मिले। तो बेटा 2 में क्या ऐड करोगे कि 2 ही मिले? 0। सॉरी, एडिटिव आइडेंटिटी बेटा 0 होती है, करेक्ट कर लेना इसे, लिख लो इसे, एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है बेटा?
आइडेंटिटी क्या होती है, ये होती है वन, सही है। थ्री में कितना ऐड करोगे बेटा, थ्री आ जाए जीरो। ऐसे ही फोर में कितना मल्टीप्लाई करोगे, फोर आ जाए वन। हंड्रेड में कितना मल्टीप्लाई करोगे, हंड्रेड आ जाए वन। तो एडिटिव आइडेंटिटी इज जीरो एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज वन। ओके होपफुली क्लियर हो गया सबको, ठीक है। इसके बाद आता बेटा एक क्वेश्चन और आता हमारे पास, फाइंड टू रेशनल नंबर या थ्री रेशनल नंबर या फोर रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर। ओके सपोज करो इसके बीच में हमें कुछ रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, कितने फाइंड करने हैं वो हम अभी सपोज कर लेंगे। सपोज दैट हमें फाइव रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, कितने फाइव रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ओके मेरे को ये बताएगा कोई, जस्ट रेज योर हैंड कि टू रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, या जस्ट रेज योर हैंड। ओके यस ओके आद्या श्रीवास्तव रेज्ड हर हैंड बट आई वुड लाइक टू हैव अनदर। यस शिवास बेटा सर अनलिमिटेड, अनलिमिटेड नो, यस बेटा अनलिमिटेड, लेकिन आप उसे अनलिमिटेड नहीं कहोगे, आप उसे इनफाइनाइट करो, ठीक है। ओके इट्स इनफाइनाइट, इट्स इनफाइनाइट। ओके इनफाइनाइट होते हैं, इतना याद रखना है, लेकिन हमें उन इनफाइनाइट में से बेटा कितना पूछा है, ओनली फाइव पूछ रहा है। तो फाइव रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं बेटा, सबको आता है मेरे को पता है, लेकिन हम इसको एक फटाफट कैसे करेंगे, इसके पैटर्न से करेंगे, मीन्स कैसा होता है मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सपोज हमारे पास डिनोमिनेटर में एक में थ्री है एक में फोर है, तो हमें पहले तो डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा 3.4 का, मींस 3 और 4 का विच इज इक्वल टू 12। एलसीएम सबको लेना आता होगा, फिर 2/3 बेटा 3 में किसकी मल्टीप्लाई करूं कि ये 12 हो जाए, जो एलसीएम आ जाए वो हो जाए, तो वो होता बेटा 4। अगर नीचे मल्टीप्लाई 4 करा तो ऊपर भी 4 से ही करना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट फ्रैक्शन है बेटा हमारे पास 3/4। बेटा 4 में किसकी मल्टीप्लाई करी जाए कि वो 12 हो जाए, तो वो नंबर होगा अपने आप 3। तो 3 के नीचे भी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, दैट बिकम्स 9/12। ओके अब चेक करो ये 12 डिनोमिनेटर सेम बन गया, ओके फाइन। अब बेटा 8 और 9 के बीच में कितने नंबर आते हैं, देखा जाए तो मैथमेटिकली बहुत सारे नंबर आते हैं, लेकिन अभी हमें प्रॉपर नंबर कोई सा नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे बेटा 8/12 कितने नंबर पूछे बेटा 5, तो 5 से एक ज्यादा कितना होता है 6, तो 6 के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी, ऐसे इस वाले फ्रैक्शन के साथ भी करेंगे 9/12 मींस 6 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 6 8 जा 48 होता है, और 12 6 जा कितना होता है बेटा 72। सिमिलरली हियर 9 6 जा 54 एंड 12 6 जा 72। बेटा अब हमारे पास दो फ्रैक्शन नए आ गए, कौन से 48/72 और एक आ गया हमारे पास कौन सा 54/72। बेटा सही से सिंप्लीफाई करोगे ना ये दोबारा से क्या हो जाएंगे 2/3 एंड 3/4। अब बेटा 48 के बाद क्या आता है 49/72, 50/72, 51/72। थ्री नंबर तो ये हो गए, दो नंबर दो फ्रैक्शन बेटा नीचे लिख देता हूँ 52/52 एंड 53/72। तो ये फाइव रेशनल नंबर हैं जो किसके बीच में लाई करते हैं बेटा 48/72 एंड 54/72। इज इट क्लियर टू ऑल, होपफुली क्लियर होंगे सबको। बेटा ये चैप्टर का जो रिवीजन पार्ट था, जो मेरा समझाने का पार्ट था, वो हो चुका है कंप्लीट। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यस उससे पहले कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, जस्ट रेज योर हैंड, बाय रेजिंग योर हैंड, ओनली वन हैंड रेज्ड। बेटा होपफुली आद्या आपका हैंड रेज है, होपफुली ये क्वेरी के लिए रेज होगा, क्योंकि अभी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है मैंने। यस बेटा सर जिससे पिछले साल मैंने किया था तो उसमें जैसे 2/3 और 3/4 है, बट
तो दोनों 60-60 बन गए, तो डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हैं ना, ये जरूरी है कि पहले करना। बेटा बताओ मेरे को, दोबारा बताओ, ये इसी क्वेश्चन में बोल रहे हो आप? जैसे मैं, एक मिनट है, आपने कहा कि हमारे पास 2/3 और 3/4 दो नंबर है, आपने कौन सा नंबर लिया है बेटा? मैंने कहा कि सर 12 से ना मल्टीप्लाई करके मैंने डायरेक्ट 20 और 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, ये आपने ये कहा है ना, आपने 12 से नहीं, 12 कौन सा 12, ये वाला 12? हाँ सर, ये वाला 12। बेटा एलसीएम तो डिनोमिनेटर तो सेम बनाना पड़ेगा ना हमें। हाँ तो सर, एलसीएम के अलावा किसी और नंबर से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ, मैंने कहा कि डिनोमिनेटर सेम बनाना है। अब देखो, ये 12 3 है और ये 4 है, तो 3 और 4 में कॉमन फैक्टर कौन सा होता है इनका, मल्टीपल, सॉरी कॉमन मल्टीपल कौन सा होता है? 36 होता है। इस तरीके से बहुत सारे, तो 36 भी बना सकते थे यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, और कोई क्वेरी बेटा, और कोई क्वेरी हो तो पूछो। ओके, नो मोर क्वेरी, देन मूविंग ऑन नेक्स्ट पोर्शन, क्वेश्चन करते हैं अब। ओके, स्क्रीन सबको विजिबल हो रही होगी, मैं कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, फटाफट से उनको करेंगे, ठीक है? जस्ट रेज योर हैंड फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी मिलेंगे बेटा, और कल उनसे रिलेटेड क्वेरी और नया चैप्टर हम करेंगे। ओके, नाउ हियर वी हैव फ्यू क्वेश्चंस, हियर वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट रेज योर हैंड फॉर द आंसर। क्वेश्चन सभी को दिख रहा है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/3। Yes, very fast. Yes, I will take Shubh Misra. Yes, beta, Shubh Misra. Sir, C 5/3. Yes, 5/3. Additive inverse में क्या होता है बेटा Shubh? Sir, वो जो sign होता है वो change हो जाता है। Okay, plus है तो minus और minus है तो plus. Very nice beta. Answer is C. C इसका correct answer है beta. Okay, C is the correct answer. Now raise your hand for question number 2, the multiplicative inverse of -11/2. Yes, again there are many students who are active, and I will take this time Prathna. Yes beta Prathna. Sir, answer is A, -2/11. Beta, option number bolo kaun sa hai? Sir, A. A, -2/11, yes, -2/11, इसमें साइन चेंज नहीं होता है, इसमें क्या होता है, सिर्फ रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है? ओके प्रार्थना, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है, 3/5 × -7/8। यस बेटा संस्कार शुक्ला। सर ए, ए ए इज द करेक्ट आंसर, एंड विच इज कैसा है बेटा, 3/7 = 21, -21/5 = 40, मींस जब इसको सॉल्व करा तो बेटा कितना आ गया, -21/40, बट हमसे ये नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा इसका रेसिप्रोकल, विच इज -40/21, मींस -40/21। यस बेटा करेक्ट है आपका आंसर, बेटा म्यूट कर लो अपने आपको। ओके, एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, फिर आपसे कुछ और इससे भी अलग क्वेश्चन पूछेंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी अंडर एडिशन यूज्ड इन द एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन दे रखी है बेटा, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, जितना क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा है ना उतना ही है क्वेश्चन, यही तक है, अब ये मैं सोचना इससे आगे भी है।
तो द प्रॉपर्टी अंडर एडिशन यूज इन द एक्सप्रेशन, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? बहुत इजीली बता दोगे जब मैं समझाऊंगा इसे। अच्छा तो इसमें से लेते हैं आपको, यस यस बेटा आद्या, इसमें वो एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स ए प्रॉपर्टी को। अच्छा एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर मींस ऑप्शन नंबर ए, आपने ऑप्शन नंबर ए बताया बेटा, ठीक है। यस बेटा आद्या द आंसर इज करेक्ट। बेटा कैसे देखेंगे, हमने क्या कहा था, ये क्या नंबर है, एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, इस नंबर को ए मान लो और इस नंबर को बेटा बी मान लो, दोनों के बीच में ऑपरेशन कौन सा यूज हुआ है, प्लस। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये क्या है बेटा बी और ये क्या है बेटा ए, क्योंकि जहां जिसे यहाँ पे ए माना तो वो यहाँ भी ए ही रहेगा, जिसे यहाँ पे बी माना तो वो यहाँ पे भी बी ही रहेगा। ओके बेटा, तो ये ए प्लस बी और बी प्लस ए हो गया बेटा। इस कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ओके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो नंबर यूज होते हैं। अच्छा इससे अलग एक क्वेश्चन मैं आपसे सबसे पूछता हूँ, मेरे को जीरो का रेसिप्रोकल बताओ या जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। जस्ट रेज योर हैंड फॉर दिस क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल ऑफ जीरो, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ जीरो। ओके मेनी हैंड्स आर देयर, आई विल टेक दृष्टि त्यागी। सो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो विल बी जीरो as in the formula p upon q, zero cannot be accounted as q. Okay beta, yes your idea is quite okay but the answer is not correct beta. Drishti aapko answer bilkul dhyan se sunna hai aur jo iske piche ka concept hai wo bhi sunna hai beta, theek hai Drishti? Yes now acha bahut se bachcho ne hands down kar liye kyunki उनका आंसर भी आई गेस दृष्टि की जैसा है, लेकिन बेटा इसका जो जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो जीरो होगा, ये गलत है, ठीक है आप सबको बता दूं। यस बेटा आई एम टेकिंग अंश राठौर। यस सर, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो बेटा। सर व्हाट बेटा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है ठीक से बेटा। तो आपने हैंड रेस क्यों करा हुआ है? सर मैंने हैंड रेस करके रखा है, मेरे को पता ही नहीं सर। यस बेटा प्रेक्षा। सर इट विल बी 1/0। नो बेटा 1/0 तो नहीं होगा इसका आंसर। वेरी नाइस कि बच्चे ट्राई कर रहे हैं लेकिन अभी भी करेक्ट आंसर का इंतजार। बेटा जिसको नाउ आई विल टेक तेजस यादव। यस बेटा तेजस। वन। यस बेटा। नो। ओके नाउ आई एम टेकिंग आद्या। यस बेटा आद्या। Yes, sir. What is the multiplicative inverse of zero? Sir, one. Okay. बेटा म्यूट कर लो अपने आप को। सभी बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है। The multiplicative inverse of zero, बेटा मैंने क्लास में भी बताया था। सही है, मैंने एक सिंपल सी चीज बताई थी, सब स्क्रीन पे ध्यान से देखना, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं बुक पे, कि जब कभी हम क्या लिखते हैं बेटा, वन अपॉन जीरो, तो मैथमेटिकली दिस इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं होता मैथमेटिकली, या हम इसको कहते हैं नॉट डिफाइन, ये डिफाइन ही नहीं करा जा सकता मैथमेटिकली। मैथमेटिकली क्या, कैसे भी हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, मींस इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। क्या मतलब है, वन अपॉन जीरो, जब भी जीरो डिनोमिनेटर में होता है तो इट इज मीनिंगलेस और सिंपली वी कैन से नॉट डिफाइन। अब बेटा जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है, पूछना चाह रहा हूँ कि जीरो का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा। बेटा जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सिंपल सा हमसे पूछा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो, तो जीरो को कैसे लिख सकते हैं बेटा,
जीरो अपॉन वन लिख सकते हैं, और वन इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, वन अपॉन जीरो, विच इज नॉट डिफाइंड, विच इज नॉट डिफाइंड. अब बेटा जब डिफाइन ही नहीं हो सकता है तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, नॉट डिफाइंड. ये इस बुक का क्वेश्चन नहीं था, ठीक है. होपफुली इट इज क्लियर टू ऑल. अगर इसमें किसी इस वाले पोर्शन में किसी को डाउट हो तो हैंड रेज रहने दीजिए, अदरवाइज पुट्स योर हैंड्स डाउन. यस बेटा क्लियर होगा, होपफुली सबको क्लियर है, तो प्लीज थंबनेल या टिक करो, दोनों में से आपके पास दो ऑप्शन है, वैसे टिक करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. ओके होपफुली दिस इज क्लियर टू ऑल, सबको क्लियर होगा ये वाला पोर्शन. मींस द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड. ओके नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन okay, इस क्वेश्चन को अभी इग्नोर करते हैं, स्किप करते हैं, क्योंकि बेटा ये स्क्रीन पे पूरा फिट नहीं आ रहा है, ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ रेशनल नंबर बिटवीन 1 अपॉन 5 एंड 6 अपॉन 9, अ रेशनल नंबर बिटवीन 1 अपॉन 5 एंड 6 अपॉन 9 इज, कौन सा होगा बेटा फटाफट बताओ मेरे को. यस बेटा सबसे पहले हैंड रेस हुआ है प्रेक्षा का. यस बेटा प्रेक्षा. सर बाय मिस्टेक हैंड रेस था. ओके बेटा डाउन कर लो, फिर म्यूट भी कर लेना अपने आप को. यस बेटा शिवांश. यस सर. सर 10 अपॉन 45 कितना? 10 अपॉन 4 इनमें से, इनमें से बताना बेटा. ए बी सी तीन ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई एक बताना. अच्छा सर. सर 16 अपॉन 45 कैसे पता निकाला? सर हमने पहले एलसीएम ले लिया 5 और 9 का, जो कि 45 आता है, और फिर 1/5 इक्वल टू 9/45 हो जाएगा, और 6/9 इक्वल टू 30/45, और बीच में 16/45 आ रहा है इनमें. ओके बेटा. यस जैसे शिवांश ने बताया बिल्कुल करेक्ट बताया बेटा, क्योंकि हमें सब में डिनोमिनेटर कितना दिख रहा है 45, तो हमने 5 और 9 का एलसीएम ले लिया, तो बेटा वो कितना हो जाएगा 45. तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 45 हो जाए 9 से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 9, नीचे भी मल्टीप्लाई 9 से, तो 45. बेटा इस 9 की किससे मल्टीप्लाई करेगी 45 हो जाए, वो होगा बेटा 5. तो 6 5 जा 30 एंड 9 5 जा 45. अब क्या है बेटा हमारे पास नया फ्रैक्शन बन गया 9/45 एंड 30/45. अब इसमें से चेक कर लो कौन सा इस पे लाए करता है. 7 सॉरी पहला है 32, 32 इस पे लाए नहीं करता है, क्यों? क्योंकि 32 30 से ग्रेटर होता है, जो कहीं ना कहीं बाहर चले जाएगा. ऐसे ही 7 इससे पहले हो जाएगा, 16 इसके बीच में लाए करेगा. एक ऑप्शन और दे रखा है, वो भी हमारे काम का नहीं है, क्यों? क्योंकि वो 2 है और वो लेस देन 9/45 है. तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा सी, सी इज द करेक्ट आंसर. ओके तो एक क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 5/7. ओके विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑफ दिस रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 5/7. 5/7 इनमें से कौन सा 5/7 से ग्रेटर रेशनल नंबर है बेटा, ठीक है. इसमें 4 ऑप्शन है बेटा, एक ऑप्शन लास्ट में है डी 6/13. विच ऑफ दिस रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 5/7. तो 7/9, 3/11, 7/14 एंड 6/13 आर द ऑप्शन. यस हु विल टेल द आंसर? आई विल टेक दिस टाइम. दीक्षांत
यस बेटा दीक्षांत सर सर आई हैव रेज द हैंड फॉर सर डाउट इन थर्ड क्वेश्चन सर दैट यस बेटा बोलो थर्ड क्वेश्चन सर यू यस सर यू हैव रिटन -40/21 सर इन ए पार्ट इट इज रिटन 40/-21 इधर देखो स्क्रीन विजिबल है बेटा यस सर बेटा ये देखो ये लिखा मैंने -40/21 ठीक है बेटा और एक आया आपका 40/-21 बोथ आर सेम मैथमेटिकली ये दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑप्शन में जो भी है ओके सर ठीक है म्यूट कर लो बेटा अपना और कौन बताना चाहेगा इसका आंसर यस बेटा अंश राठौर सर सर द आंसर इज 7/9 7/9 मींस सी पार्ट एंड द सी पार्ट इज नॉट द करेक्ट आंसर बेटा सर 7/9 तो ए पार्ट है सर आप कौन सा पूछ बोल रहे हो तो 7/9 ए पार्ट सर ए पार्ट आप बोल रहे हो 7/9 इज द करेक्ट यस सर बेटा कैसा आया बताओ सर कैसे आया था सर ये नहीं पता कैसे आया था मैंने पता नहीं कैसे निकाला मेरी आवाज नहीं आ रही है किसी को क्या हो गया यस बेटा अंश राठौर बेटा आपका आंसर ना 7/9 आंसर दिया है आपका ऑप्शन नंबर ए विच इज नॉट अ करेक्ट आंसर ओके हमें बताना है स्मॉलर बेटा वो इससे ग्रेटर है और कौन आंसर देना चाहेगा बेटा यस अरमान अरमान मदान सर क्वेश्चन में ग्रेटर देन पूछा है 5/7 ग्रेटर पूछा है इसमें ठीक है ग्रेटर के लिए आंसर सही है बेटा ग्रेटर के लिए सही है बेटा अंश राठौर का भी सही है ठीक है द करेक्ट इट इज द करेक्ट आंसर इस मैंने सोचा स्मॉलर पूछा है तो अंश राठौर का भी सही आंसर है यस बेटा अरमान मदान कुछ आप कुछ कहना चाह रहे हैं ओके नाउ इट्स ऑल फॉर टुडे सेशन ठीक है बेटा इतना ही था आज के सेशन के लिए मेरे को बताओ किसी को कोई डाउट्स या प्रॉब्लम्स है तो जस्ट रेज योर हैंड और बाकी बच्चे जैसे अंश राठौर शिवांश और आद्य श्रीवास्तव बेटा प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन आपको आज एक क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे बेटा तो उसको आप उन्हें कर लीजिएगा कल आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं यस बेटा किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है एनी स्टूडेंट यस बेटा कमलप्रीत बेटा लेकिन मैं ज्यादा क्वेरी नहीं लूंगा क्योंकि टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर ओके यस बेटा सर आप क्वेश्चन पेपर उस पे सेंड करोगे व्हाट्सएप पे प्रैक्टिस के लिए कौन सा क्वेश्चन पेपर सर आज आपने अभी बोला नहीं कि मैं क्वेश्चन सेंड करूंगा होमवर्क होगा बेटा वो होमवर्क में ही आएगा ओके सर कोई क्वेरी हो नहीं मिले तो बेटा पर्सनली मैसेज कर सकते हैं लेकिन फिलहाल मैं उसे एडुनेक्स पे करूंगा भेज दूंगा यस किसी और को कोई क्वेरी हो तो बेटा पूछ सकते हैं Just raise your hand. Okay, there is no query to anyone. That's why I'm taking leave. Okay, bye to all, beta. Aur preparation karo. Kal aapka trial test hai. Ye sabko bata diya maine.
और ग्रुप में भी चेक कर लेना बेटा एक बार. ओके बाय टू ऑल.